नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे नए कानून जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट से पास करवा लिए हैं और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को मिल चुकी है मित्रों ये नए कानून क्रिमिनल लॉ जो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ थे जैसे कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड उसकी जगह पर अब जो नया कानून होगा होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये तीन नए कानून भारत सरकार लाई थी पार्लियामेंट से इसे पास करवा लिया गया है और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी इस पर दे दी है इसके बाद लोगों में कई सारी दुविधाएं हैं कि क्या ये कानून लागू हो गए हैं क्या अब जो एलएलबी के छात्र हैं उनमें एक कॉन्फ्यूज़न है कि क्या वो उनको नई कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं जिनका एल कंप्लीट नहीं हुआ है या जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको ये दुविधा है क्योंकि वो आईपीसी पढ़ रहे हैं अभी तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कानून जब कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले बिल लाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल को पास करवाया जाता है उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद सरकार ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करती है गजट के द्वारा सरकारी गजट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करती है कि कानून हम इस समय से लागू कर देंगे या इस समय से ये कानून लागू माना जाएगा तब जाके कोई भी नया लॉ या कोई भी नया कानून लागू होता है अभी के समय में या अभी की परिस्थितियों में जो नए कानूनों का गठन हुआ है उस पर अभी कोई भी ऑफिशियल गजट भारत सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है जो कि ये बताए कि कानून लागू कर दिया गया है अभी मात्र नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसके द्वारा केवल यह बात आया गया है कि कानून का गठन हो गया है कई सारे समाचार पत्रों के द्वारा ऐसी भी जानकारी है कि भारत सरकार इसे 26 जनवरी को लागू कर देगी यानी जो नए कानून बनेंगे या जो नए कानून बन चुके हैं उसे 26 जनवरी को लागू करवा दिया जाएगा अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि हिट एंड रन का जो नया कानून है यानी कि जो नया कानून या जो नई धारा है उसके अंतर्गत जो हिट एंड रन केस आएंगे उसमें ट्रक ड्राइवर्स और बस चालकों ने चक्का जाम करा था पूरे देश में बहुत सारी दुविधाएं हैं उनका ये मानना है कि अब जो पहले की जो धाराएं थी रैश ड्राइविंग की सेक्शन 279 सेवेंटी और गैर इरादतन हत्या सेक्शन 304 ए आई उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 यानी कि बी भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 104 में इसका जिक्र किया गया है और 104 जीरो फोर सबसेक्शन में इसकी पनिशमेंट को बताया गया है पहले इसकी पनिशमेंट जो होती थी वो मैक्सिमम टू ईयर की होती थी और इसमें जुर्माना भी था लेकिन अभी जो इसमें पनिशमेंट की गई है वो दस साल की की गई है और इसमें मैक्सिमम जुर्माना जो है वो सात लाख रुपए तक का है और इसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर ड्राइवर अगर कभी भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है और वो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है और मौके से नहीं जा भागता है तो उसकी सज़ा कम भी हो सकती है जुर्माने की रकम कम भी हो सकती है इसी बात को लेकर ड्राइवर्स ने अपनी आशंकाएं जाहिर की थी उनका ये कंसर्न था कि अगर ड्राइवर रुक कर पुलिस को बताएं भी कई बार जो एक्सीडेंट होता है वो ड्राइवर्स की गलती से नहीं होता है जो विक्टिम है कई बार उसकी लापरवाही से भी एक्सीडेंट होता है जिसपे ट्रक ड्राइवर्स को दोषी मान लिया जाता है परंतु मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताई थी कि अपराध होना या किसी को आरोपी बताना और आरोप को सिद्ध करना ये दो अलग अलग चीजें हैं सेक्शंस जो हिट एंड रन का केस जो है जो सेक्शन है जिसमें ये दस मैक्सिमम दस साल की सज़ा बताई गई है दोस्तों इसको लेकर कॉन्फ्यूज़ ना रहें मैक्सिमम टेन ईयर पनिशमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में दस साल की ही सज़ा मिलेगी ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट रहेगा कि उसमें कोर्ट कितना पनिशमेंट देगी ड्राइवर्स का भी कहना इस बात के लिए उचित है कि अगर वो रुकते हैं तो मॉब लिंच हो सकता है लेकिन मॉब लिंच के लिए भी बहुत ही कड़े कानून बना दिए गए हैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी मित्रों नए कानून को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से आपसे बात करूँगा अब तक के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी है उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और आप किसी भी दुविधा में नहीं रहेंगे कि नए कानून लागू हो गए हैं यह नहीं हुए हैं कानून लागू होंगे आफ्टर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करें इस पर कमेंट करके बताएं कि और कौन से टॉपिक पर मैं आपसे बात करूं और कोई भी समस्या कोई भी लीगल समस्या अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और इस पर कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद